मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा सेकेंड डे गोवा ट्रिप का। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:58 और अभी हम जा रहे हैं देखने सनराइज चपोरा पोर्ट पे। गाइस, ये है चपोरा फोर्ट के पास का इलाका और पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पे भी आपको सीध दिख जाएगा। चपोरा फोर्ट जो है ये है पीछे, अभी वो बंद है और ये सुबह खुलता है 9:30 बजे के आसपास। अब हम लोग वापस उतर रहे हैं चपोरा फोर्ट से। हमारा सनराइज जो है वो हो चुका है। अब हम जा रहे हैं मौर्जी बीच की तरफ और अश्विन बीच की तरफ। काफ़ी अच्छा बीच है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी साइलेंट है। यहाँ से ऐसे नीचे जाने का, और ये हम पहुँच गए हैं असम बीच। यहाँ का जो सॉइल है वो थोड़ा है ब्लैकिश कलर में, थोड़ा सा हल्का गंदा दिख रहा है। वैसे तो ये बीच उतना साफ नहीं है, से आप एक कचड़े वगैरह देख सकते हैं साइड साइड में। चलिए अब नेक्स्ट मिलते हैं आपको मॉर्जिम बीच में, तब तक ले बाय फ्रेंड्स। हम लोग पहुंच गए हैं अब मॉर्जिम बीच पे, और यहाँ पे टर्टल हैचिंग भी होती है, सबसे अच्छी बात है। और ये हैं यहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह, और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए भी काफ़ी लोग लगे हुए हैं। सो गोवा यू आर द परफेक्ट प्लेस टू बी। कलंगुट बीच के पास में, और हमारे जो है आज का सेकेंड डे कुछ ऐसा होने वाला है। तो ये है मेरा गेटअप, तो यही पहन के हम जाने वाले हैं बीच। तो चलिए फिर चलते हैं। पहले हम उससे पहले करने वाले हैं लंच।
ऑर्डर्ड ट्रिपल वेज शेजवान फ्राइड राइस, तो देखते हैं कैसा खाना। वो खाना यहाँ काफ़ी अच्छा था और हमने तो अच्छे से इन्जॉय किया भाई, बहुत अच्छा खाना है। तो आई रिकमेंड दिस प्लेस, इसको कम ही है तो आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये सिर्फ वेजिटेरियंस के लिए है, लेकिन नॉन वेजिटेरियंस के लिए नहीं है। जैन थाली वगैरह यहाँ पे मिलती है, तो काफ़ी अच्छी जगह है। चलिए अब हम चलते हैं कलंगुट बीच की तरफ। Guys, we are about to reach Kalangut beach. और यहाँ पे काफ़ी सारे बोट्स वगैरह हैं, वो पड़े हुए हैं साइड में, इधर पे भी है। देर से बात हो रही थी एक बंदे से और उसने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स का जो है यहाँ पे 4 स्पोर्ट्स के करीब 2000 रुपये लगते हैं, तो वी आर गोइंग टू चेक विथ अदर जेंट्स, तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रेट मिलता है। तब तक के लिए आपको यहाँ के बीच के कुछ सीन्स दिखाता हूँ। We'll be right back.
लेन नियर बाई बागा बीच। Okay.